तरह पूरे दुनिया भर में नोवल कोरोना वायरस की बात हो रही है, भारत में इसका पहला कंफर्म केस मिल गया है। चाइना से शुरू हुआ और उसके कई शहरों में इसके केसेस मिलने की बात आ रही है। सैकड़ों लोग मर चुके हैं इससे। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, तो लोगों में कहीं पैनिक की स्थिति है। भारत में केरला में इसका पहला कंफर्म केस मिल गया है। तो अब जिस तरह लोगों में एक असमंजस है, डर है इस बीमारी को लेके, तो हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अमित मोहन, आप HOD हैं पल्मोनरी मेडिसिन के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, कि ये कोरोना वायरस जो है इससे बचने के लिए लोगों को क्या एहतियात बरतने चाहिए। देखिए, कोरोना वायरस उन तमाम रेस्पिरेटरी वायरसेस में से एक है जो सर्दी जुखाम और फ्लू लाइक सिम्टम्स करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा था, स्वाइन फ्लू था, पहले रहा था, एक कोरोना वायरस है जो अब निकला, जिसने जिसके लक्षण बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे हम कहें किसी भी सर्दी खांसी जुखाम से इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। मरीजों में बुखार आ जाएगा, गला ख़राब हो सकता है, गले में दर्द, खांसी, थोड़े सर्दी के सिम्टम्स, ये सब हो सकता है, तो जो कि किसी भी और वायरस और फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। तो ये कहना अपफ्रंट कि ये कोरोना वायरस है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। अभी दूसरी बात ये कि पैनिक की, देखिए, स्थिति मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए, चाइना में एक केस इंडिया में भी आया, वो भी चाइना से ही आया था, तो उसको यहाँ पे देखा गया है और उसमें कन्फर्मेशन आई। जहाँ तक आप बचाव की बात कर रहे हैं, बचाव भी बहुत सिंपल मेजर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फैलता है खांसी से, एक दूसरे से छींक करने से, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो हमें ऐसी जगहों से बचना है जहाँ बहुत क्राउड हो। जैसे किसी को सर्दी ज़ुकाम है, उसके साथ बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट्स अगर हम रखें तो चांसेस हैं कि हो जाए। तो सिंपल मेजर, जैसे अगर भीड़ भड़क्के में जाएँ तो फेस मास्क का इस्तेमाल, जो हम और भी वायरसेस के अगेंस्ट हम करते हैं, कफ़ एटिकेट्स, खांसी करते टाइम रुमाल में खांसी करें, क्लोज्ड होके खांसी करें, ओपन में छींके नहीं, ओपन में खांसी ना करें, बिकॉज़ ये सरफेसेस पे भी ड्रॉपलेट जाते हैं, वहाँ पे हाथ से दूसरा टच करे तो अपने अंदर जाता है, यही मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन इसी तरह से होता है। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल मेजर्स, बेसिकली सिंपल मेजर्स हमको देखने हैं इससे बचाव करने के लिए, क्योंकि कोई दवा इसके अगेंस्ट हमारे पास एज ऑफ नाउ नहीं है। जी, तो आप जैसे कह रहे हैं भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, बस अड्डे हैं, या कोई ऐसे, तो वहाँ पर क्या किस कौन सा और किस तरह के मास्क का आप इस्तेमाल करें और या अवॉइड करें अगर हो सके तो? देखिए, मास्क अगर पहनना ही है, अगेन ये मुश्किल है कि सब लोग एक साथ मास्क पहनना हर वक्त शुरू करें, वो पॉसिबल भी नहीं है। बट अगर जैसे आपको खुद को सर्दी जुखाम है, डर है कि दूसरों को फैलने का डर है, तो आप अपने बचाव और दूसरों के बचाव के लिए भी मास्क पहन सकते हैं। वो N95 मास्क होना चाहिए, जो कि जो सिंपल सर्जिकल मास्क हैं वो इस मामले में हेल्प नहीं करते। अगेन, ये N95 मास्क हम कोरोना वायरस स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं, हम जनरल तरीके से बोल रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलने से बचाने में ज़्यादा हेल्प करते हैं, रादर देन द सिंपल सर्जिकल मास्क। सो इस तरह की चीज़ें हम स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपने बताया कि फ्लू लाइक इसके सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लोग इससे मर रहे हैं और एक पैनिक फैल रहा है लोगों में। जी हाँ, तो पहला बात तो यही कि पैनिक नहीं फैलना चाहिए। ये ऐसा, जी हाँ, ज़रूर सतर्क रहना चाहिए, हमको सबको पता होना चाहिए, अवेयरनेस ज़रूरी है, बट पैनिक की तो अभी ऐसी कोई बात है नहीं। अगर हम जानकारी रखें और हम प्रॉपर एहतियात बरतें, और जो केसेस हैं, केसेस या जो सस्पेक्ट्स हैं जो उस एरिया से ट्रैवल करके आए, जैसे एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग हो रही है, बहुत ज़रूरी है, तो इनको अगर हम अपफ्रंट ही लोकेट कर लें और जांच लें, तो ये आगे फैलने से रुक जाएगा। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने स्क्रीनिंग की बात करी, तो इस तरह की जब एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होती है तो वो किस तरह से होती है, उस स्क्रीनिंग में क्या देखा जाता है देखिए, स्क्रीनिंग यूजली और एक, क्या वो डिटेक्ट कर पाती है इतनी एफिशिएंटली? देखिए, अब ये तो कोई 100% नहीं बता सकता कि किस चीज़ की 100% एफिशिएंसी, तो शायद इस मामले में किसी की भी नहीं हो सकती है। डिटेक्ट वो यही कर सकते हैं कि किसी को इन्फेक्शन के क्या कोई सिम्टम्स हैं। अगर वो उस तरफ से आए, तो लोग पूछा जाता है आपको क्या सर्दी ज़ुकाम खांसी के कोई लक्षण हैं, बुखार है, तो ये स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। लोग और चीज़ें जैसे थर्मल, इस तरह के एक्सरे टाइप की चीज़ें यूज़ करते हैं, हर जगह नहीं होता। सो दीज आर सिंपल स्क्रीनिंग मेजर, जिसमें हम ज़्यादातर पूछते हैं, और उस एरिया से आने वालों वाले जो फ्लाइट्स हैं और लोग हैं, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जी, जिस तरह
हर वायरस का एक जेस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन बॉडी में या कॉन्टैक्ट में एक्सपोज होने के बाद, तो ये भी कहा जा रहा है क्या ये कितना सही है कि 14 दिन भी इसका जेस्टेशन पीरियड हो सकता है? तो अभी ये नोवल कोरोना वायरस है, बिकॉज़ वायरसेस अगेन बहुत चेंज होते रहते हैं, कोरोना वायरस के भी बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, हर एक के अलग वो टाइम होता है, जेस्टेशन होता है, प्रॉपर्टी होती है, इसकी एग्जैक्टली क्या है ये अभी भी 100% क्लियर नहीं है। बट ये ज़रूर होता है कि जब आप लक्षण दिखाने लगते हो उससे एक दो दिन पहले से ही शायद इन्फेक्टिविटी स्प्रेड होने का चांस होता है, और कब तक होता है ये डिपेंड करता है, कभी 5 दिन भी हो सकता है, कभी 10 दिन तक भी हो सकता है, जी हाँ 10-12 दिन तक भी लोगों ने कहा तो है, बट अगेन हमारी नॉलेज इसमें अभी इतनी नहीं है कि हम उस लेवल तक इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। जी, तो जिस तरह आपने सिम्टम्स बताए थे फ्लू लाइक सिम्टम्स इसके होते हैं, इसके अलावा और भी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम आ रहे हैं क्योंकि फैटल है ये? जो सिम्टम ज़्यादातर आए हैं वो उन प्रपोर्शन में है जिनमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, तो ज़्यादातर ये जो सिम्टम्स हैं ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है अपने आप ठीक हो जाता है, बट इन सर्टेन सिचुएशंस ये और एग्रेसिव हो जाता है, फैल जाता है, लंग्स के अंदर अगर पहुंच जाए, रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ, सो इस तरह की सिचुएशन में ये फैटेलिटी की चांसेस आ जाते हैं कि उनको हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी और रेस्पिरेटरी फेलियर के वजह से डेथ होने का चांस है। जी, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि खान पान में क्या जिस तरह की गाइडलाइंस या एडवाइजरी आ रही हैं कि आप सी फूड मत खाइए, आप नॉनवेज से बचें, तो क्या खान पान में एहतियात बरतनी चाहिए पानी को भी लेके और हर चीज़ को लेके कि आप इससे अपना बचाव कर सकें? देखिए इसमें भी अगेन ये बहुत अभी जनरल गाइडलाइंस ही हैं, क्योंकि ओरिजिन इसका चाइना में जहाँ से हुआ ये सोचा जा रहा है कि उस सी फूड मार्केट से हुआ है, तो यही देख के एडवाइजरी या जो भी एहतियात पब्लिक को दिया जा रहा है कि आप किन चीज़ों से बचें। अगेन सी पर्सनली, अगेन इसमें एविडेंस कम है, पर्सनली स्पीकिंग वेल कुक्ड फूड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सो दैट इज़ वन थिंग। अगर हम स्पेसिफिक्स देना चाहें, अगेन ये स्पेसिफिक गाइडलाइन आई थिंक हमारे एक्सपर्ट कमिटीज़ और हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ से बन के आना चाहिए। कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इंडिया में तो अभी आई थिंक इसके रिलीज़ नहीं हुए, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर अभी तक, क्योंकि ओरिजिन इसका सी फूड मार्केट से हुआ, इसीलिए ये सब बातें आ रही हैं कि इससे फैलने का डर है, हो भी सकता है, बट किस लेवल का और किस चीज़ से ये अभी क्लियर नहीं है। तो आपसे आखिरी सवाल कि पर्सनल हाइजीन और क्या, क्योंकि जिस तरह कहा जाता है कि सावधानी ही बचाव है, तो अभी बचाव पर ही ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है? जी हाँ, बचाव पे ही ज़्यादातर बात होना होगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट ऐसा सच अभी कुछ नहीं है, इसीलिए बचाव ही करना पड़ेगा। एक बार हो गया तो 99% में अपने आप ठीक हो ही जाएगा ये। जहाँ तक बचाव का है, अगेन इस वक्त जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको स्क्रीन करना ज़रूरी है, अगर उनको कोई भी लक्षण खुद में दिखे इट इज़ इम्पॉर्टेंट वो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लें कि दूसरों को ना फैले, खासकर हाउस होल्ड में या वर्क प्लेस पे। सो ये दूसरों को फैलने से बचाना मेन है, सिंपल हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, हैंड हाइजीन, कफ एटिकेट्स कि छींके ना, खांसी वगैरह ना करें, दीज आर वेरी सिंपल मेजर्स जो हम जनरली ले सकते हैं। और जिस तरह की खबरें आ रही कि चाइना में जिन जिनको हुआ उनको क्वारंटाइन कर दिया और उनका उनकी बॉडी को भी इस तरह से इंसिनरेट किया गया है, आई थिंक ये सब प्रिकॉशनरी है, क्योंकि अभी पता नहीं ना कि आगे कितना ये प्रोपोगेट करेगा, कितना फैले, किस तरीके से फैले, किसी को अभी इतना आइडिया नहीं है। आई थिंक ऑल दीज आर एज अ प्रिकॉशन कि ये आगे औरों को ना इफेक्ट करे।